अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जेंडर स्टडीज सीरीज में आज ही हमारा दूसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था जेंडर स्टडीज के बेसिक इंट्रोडक्शन को, कि जेंडर हमारे पास क्या है, जेंडर किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा हमने जेंडर स्टडीज और वेमेन स्टडीज का एक ब्रीफली डिफरेंस जो है उसको डिस्कस कर लिया था। इसके साथ साथ हमने कुछ इवॉल्विंग जो परस्पेक्टिव्स थे जेंडर स्टडीज और वेमेन स्टडीज के, उन्हें डिस्कस किया था। अब इसी सीरीज में हमारे पास जो सेकेंड लेक्चर है, आज हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जेंडर स्टडीज का, जो कि है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज। अब यहाँ पर हमने जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है जेंडर स्टडीज की, सबसे पहले आपने इस टर्म को समझना है कि व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट ब्रांचेस, और कंसीडरिंग इट एज ए मल्टी फील्ड स्टडी। मीन्स जेंडर स्टडी को अगर हम स्टडी करें, इस डिसिप्लिन को स्टडी करें, तो इसमें बहुत से डिफरेंट डिसिप्लिन या डिफरेंट टॉपिक्स या डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडीज, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ और भी इंक्लूड हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के। इस वजह से हम इसे मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं, कि ये एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास बाकी कुछ और मजीद डिसिप्लिन जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। अब इसे अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरी कह रहे हैं, तो वो किस कंसेप्ट में कह रहे हैं कि ड्राइंग ऑन वेरियस डिसिप्लिन्स टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज द सोशल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर। इसमें हमारे पास जो कल्चरल, हिस्टोरिकल और सोशल एस्पेक्ट्स हैं जेंडर के, वो सब के सब आपके पास इसमें कवर हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वुमेन स्टडीज है, जेंडर स्टडीज में ही आप वुमेन स्टडीज को डिस्कस करते हो। जेंडर स्टडीज में जेंडर्स इंक्लूड होते हैं, और वुमेन स्टडीज में आप अगर वुमेन की स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास वुमेन स्टडीज हो जाती है, और वो जेंडर स्टडी के साथ ही लिंक करती है। इसी का ही एक सब डिसिप्लिन कंसीडर किया जाता है वुमेन स्टडीज को। आप जेंडर स्टडीज के साथ जेंडर और पॉलिटिक्स को लिंक कर सकते हैं, आप सोशियोलॉजी को लिंक कर सकते हैं, साइकोलॉजी को लिंक कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को लिंक कर सकते हैं। मीन सोशल और कल्चरल जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, वो जेंडर्स पे किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं उसको आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। आप एजुकेशन से रिलेट कर सकते हैं, लिटरेचर कल्चर के साथ रिलेट कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के साथ रिलेट कर सकते हैं, इकोनॉमी के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो जेंडर स्टडीज जो है वो इन तमाम फील्ड ऑफ स्टडीज के साथ बहुत ईजिली रिलेट हो जाता है, और एक पूरा सोशल, एक सोसाइटल परस्पेक्टिव अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। तो इसी पॉइंट को हम, इसी मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज को आज हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे पहला हमारे पास जो आ रही है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर में, उसमें सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के साथ किस तरीके से लिंक कर रहा है, सोशियोलॉजी कैसे अफेक्ट कर रही है जेंडर स्टडीज में, उसका क्या रोल प्ले कर रही है। तो अगर हम सोशियोलॉजिकल नॉर्म्स को देखें, तो जो सोशियोलॉजी है उसका एक बहुत क्रूशियल रोल है। किस तरीके से रोल है कि जो हमारे पास जेंडर है, बीइंग ए वुमेन, अगर कोई किसी हम वुमेन की इम्पोर्टेंस को या वुमेन के स्टेटस को डिस्कस कर रहे हैं एक सोसाइटी में, तो अगर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जेंडर स्टडीज है वो उनके जो रोल है या उनका जो स्टेटस है उसको कंस्ट्रक्ट करती है, हमें उसका बैकग्राउंड और हिस्ट्री भी देती है, और इसके साथ साथ हम आगे से मजीद किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रही है या उसके लॉन्ग लास्टिंग अफेक्ट जो हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, हम उसे देख सकते हैं। मीन्स कि अगर सोसाइटी को देखा जाए, तो पहले सोसाइटी एक फीमेल की बिल्कुल एक बेसिक सा कंसेप्ट देखा जाए, तो ड्राइविंग को भी बड़ा एक अजीब सा समझा जाया था, कि कोई लेडी जो है वो कार ड्राइव कर रही है और समथिंग। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास पाकिस्तान में असमा शाहीन इकबाल हैं, जो 40 ईयर ओल्ड पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी ट्रक ड्राइवर हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एक हिना महमूद साहिबा थी, जो कि उन्होंने बहुत अरसा तक इस डिपार्टमेंट में किया था, जो कि एक ऐसा डिपार्टमेंट कंसीडर किया जाता है कि जिसमें फीमेल्स का कोई काम ही नहीं है, लेकिन उन्होंने उस डिपार्टमेंट में काम किया। अगर हम अपनी पाकिस्तानी पॉलिटिकल में देखें, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1988 में, इससे पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई भी नहीं थी खातून। तो एक सोशियोलॉजिकल परपिचुएटेड या लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है सोशियोलॉजी हमें लेडीज के, वुमेन्स का रोल प्ले करने के लिए, या मेल्स का, फीमेल्स का, कोई भी एक ऐसा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे
कि जिससे जेंडर या आपका सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक अच्छी शेप के साथ फॉर्म हो रहा हो. ठीक है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द वेज इन विच जेंडर शेप्स सोशल इंस्टीट्यूशंस इंटरेक्शंस एंड पावर डायनामिक्स. अब अगर हम आ जाए बात करें एंथ्रोपोलॉजी की, तो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो जेंडर स्टडीज को लिंक करती है डिफरेंट कल्चर्स और सोसाइटीज के साथ. जो कुछ कल्चरल नॉर्म्स होते हैं या जेंडर रोल्स होती हैं, आइडेंटिटीज होती हैं, उनको ये ब्रीफली डिस्क्राइब करती है अगर हम एंथ्रोपोलॉजी के साथ जेंडर स्टडीज को रिलेट करें. अब अगर हम नेक्स्ट देखें मल्टी डिसिप्लिनरी अफेक्ट ऑफ जेंडर स्टडी, तो वो साइकोलॉजी है. साइकोलॉजिकली जेंडर स्टडी जो है वो एक जेंडर को उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी देती है, उसकी डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करती है, और एक जो स्टीरियोटाइप्स या बायसेस होते हैं सोशलाइजेशन जो इम्पेक्ट कर रही है किसी भी एक इंडिविजुअल की वेलबींग को, उसको बड़े अच्छे तरीके से साइकोलॉजी जो है वो रेफर करती है, एनहेंस करती है. हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, हिस्टोरिकल एनालिसिस की जाए, तो हिस्टोरिकल एनालिसिस इज क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज एंड द चेंजिंग रोल्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन एंड मैन ओवर टाइम. ठीक है, हिस्टोरिकल एनालिसिस में देखा जाए तो जेंडर स्टडीज जो है वो जो प्रीवियसली जेंडर आइडेंटिटीज किस तरीके से थी और वक्त के साथ साथ वो किस तरीके से इवॉल्व हो रही हैं, वुमेन स्टेटस और मैन स्टेटस किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसे आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं. जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल कुछ पॉलिटिकली और कुछ ड्राइविंग वगैरह के लिहाज से जो एग्जांपल्स दी आपको, उनको अगर देखा जाए तो कुछ टाइम पहले तक ये चीज़ें बहुत टैबू टाइप में कंसीडर की जाती थी बहुत सी बातें, लेकिन विद रेफरेंस ऑफ टाइम विद अफेक्ट ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम ये चीज़ें चेंज होती गई और वुमेन्स का सोशली पॉलिटिकली कल्चरली इकोनॉमिकली हर तरीके से रोल प्ले उन्होंने किया और ये चीज़ें जो है वो काफ़ी एक नॉर्म के तौर पर शेप हो गई जिस तरीके से. और ये सिर्फ आप वुमेन पे बेस नहीं कर सकते हैं, अगर वुमेन्स जो है वो ऐसी फील्ड्स में आएँ जिसके लिए सिर्फ मेल्स को कंसिडर किया जाता कि ये ओनली मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि ये वाली चीज़ें चेंज हुई. जिस तरीके डिफरेंट अगर आप मेल्स को देखें तो पहले लाइक इन फैशन इंडस्ट्री मेल्स का इतना ज़्यादा कंसीडरिंग किया जा सकता है कि मेल्स का इससे क्या लिंक है, कोई अगर सैलून है एनी ब्यूटी पार्लर और एनी थिंग वहाँ पर मेल्स का क्या काम. लेकिन अब अगर आप देखें तो मेल्स भी बहुत अच्छे तरीके से इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं जो कि कंसिडर की जाती है टिपिकली एक वुमेन फील्ड, लेकिन इसमें मेल्स जो है वो काम कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ अगर टिपिकली मेल्स की फील्ड है तो उसमें वुमेन्स भी अब काम कर रही हैं. तो ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं डिफरेंट स्टेटस है डिफरेंट मैन और वुमेन का वो ओवर द टाइम चेंज हो गया. और हिस्टोरिकल एनालिसिस जो वो हिस्टोरिकली इन चीज़ों के ऊपर एनालाइज करती है और जेंडर रिलेशंस और सोसाइटल नॉर्म्स हैं वो इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से फॉर्म होते हैं. लिटरेचर और कल्चरल स्टडीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं जेंडर एनालिसिस को, इसको रिप्रेजेंट करती हैं कल्चरल टेक्स्ट में. इसके अलावा एक्सप्लोर करती हैं कि डिफरेंट जो आर्ट मीडिया और पॉपुलर कल्चर है वो किस तरीके से जेंडर नॉर्म्स और आइडेंटिटीज को अफेक्ट करता है और किस तरीके से इसमें चेंजिंग लेकर आता है. पॉलिटिकल साइंसेज को अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइंसेज जो हैं वो एग्जामाइन करती हैं इंटरसेक्शंस ऑफ जेंडर एंड पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग वुमेन पार्टी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. जिस तरीके से मैंने डिस्कस किया हमारे पास बहुत से पॉलिटिकल एग्जांपल्स तो बेतहाशा हैं. हमारे पास पाकिस्तान में बहुत मौजूद हैं. फहमीदा मिर्जा साहिबा हैं जो हमारे पास फर्स्ट स्पीकर बनी थी नेशनल असेंबली की 2008 में, आई थिंक 2008 यस. और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी हमारे पास. हिना रबानी खर साहिबा 2011 में स्पीकर थी वो नेशनल असेंबली की. तो इस तरीके से पॉलिटिकली भी हमारे पास काफ़ी पार्टिसिपेशन आई है वुमेंस की. इसके अलावा फेमिनिस्ट अप्रोचेज जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं. डिफरेंट तरीके से जेंडर पावर जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा वुमेन कार्ड देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्ले हो जाता है. पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में पहले इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन अब उसमें वुमेंस को कंसिडर किया जाता है, बल्कि तमाम ही जेंडर्स को, सिर्फ ओनली वुमेंस नहीं तमाम जेंडर्स को जो है वो उसमें कंसिडर किया जाता है. इसके अलावा अगर इकोनॉमिकली देखें तो इकोनॉमिक जो है वो प्रोवाइड करती है कि जो जेंडर डायमेंशंस हैं इकोनॉमिक सिस्टम में वो किस तरह से करनी है. जैसे कि जेंडर पे गैप एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस कुछ जगहों पर अभी भी ये फैक्टर है, कुछ जगहों पे काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है कि मेल्स को ज़्यादा पे दी जाती थी
फीमेल्स को कम दी जाती थी, तो इस किस्म की जो सेग्रीगेशंस हैं, जो डिस्टिंक्शंस थी, उन पे किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज अफेक्ट कर रही हैं, जेंडर डिस्पैरिटी कैसे अफेक्ट कर रही है, इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और इनको ओवरकम किस तरीके से किया जा सके, ये सब चीज़ें अगर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ें तो वो भी जेंडर के साथ रिलेट करती हैं। इसके अलावा हेल्थ साइंसेज हैं, डिफरेंट वुमेन हेल्थ केयर किस तरीके से देनी है, जेंडर्ड हेल्थ केयर किस तरीके से देनी है, और ये हेल्थ प्रैक्टिसेज जो हैं वो किस तरीके से जेंडर स्टडीज़ पे अफेक्ट करेंगी, जेंडर में ये स्टडीज़ इन आवर फर्स्ट लेक्चर कि जेंडर में हमारे पास जेंडर आ रहा है, यानी इट्स अ सोशल टर्म नॉट अ बायोलॉजिकल, जेंडर मीन्स मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स ऑल आर इंक्लूडेड। ठीक है, जेंडर की जब भी हम बात कर रहे हैं तो ये टर्म हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हम विमेन्स के बारे में बात नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल थ्री जेंडर्स। जब हम विमेन स्टडीज की बात करेंगे तब हम कंसिडर करेंगे ओनली विमेन। इन तमाम डिसिप्लिन में हमने डिस्कस किया जेंडर, जेंडर मीन्स हमारे पास तीनों तीनों या ऑब्वियसली जितने भी आपके पास आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं, मेल्स फीमेल्स ट्रांसजेंडर शीमेल्स एनीथिंग। ठीक है, वो तमाम के तमाम आपके पास सोशियोलॉजिकल टर्म्स में जेंडर स्टडीज में इंक्लूड होंगे। तो उन सब की अगर हेल्थ को देखा जाए तो ऑब्वियसली हेल्थ सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हेल्थ भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेगी। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल है जेंडर स्टडीज़ को एग्जामाइन करने में, जेंडर नॉर्म्स को पोटेंशियल चेंज करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज काफ़ी आ चुका है और आगे मजीद आएगा भी। थर्ड जेंडर को भी एजुकेशनल राइट्स, जॉब राइट्स ऑब्वियसली दिए जा चुके हैं और मजीद भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो जेंडर स्टडीज को अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, जेंडर स्टडीज एग्जामाइन जेंडर डायनेमिक्स विद इन एजुकेशनल सिस्टम्स, एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ जेंडर इक्विटी, इनकल्सिव पेडागोजीज एंड द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इंडिविजुअल जेंडर आइडेंटिटीज। जिस तरीके से मैंने कहा कि जेंडर सिर्फ एक वीमेन की बात नहीं है बल्कि तमाम इंडिविजुअल जेंडर आइडेंटिटीज को हमारे पास ये जेंडर स्टडीज की डिफरेंट डिसिप्लिन जो है वो डिस्कस करते हैं और इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था आज का, मीन्स इसमें हमने मल्टी डिसिप्लिनरी एंड डिसिप्लिनरी अफेक्ट्स ऑफ जेंडर जो है वो हमने पढ़े, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज पढ़ी, जेंडर स्टडीज मीन्स हमारे पास जो जेंडर से रिलेटेड स्टडीज है और इसके ऊपर जो डिफरेंट डिसिप्लिन हैं वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, जो डिस्क्राइब किया। इसके अलावा भी बहुत वाइड रेंज है, मल्टी डिसिप्लिनरी मीन्स मल्टी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी, एज यू नो डिफरेंट डिसिप्लिन, तो एक वास्ट रेंज ऑफ डिसिप्लिन जो है वो जेंडर के साथ रिलेट करती है। तो जेंडर स्टडीज़ का आप एक स्कोप या पॉइंट में इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं कि जेंडर स्टडीज़ जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है, और साथ में आप इसकी ये डिफरेंट डिस्क्रिप्शन थोड़ी थोड़ी सी दे सकते हैं, इससे आपका ये आंसर जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू कि जेंडर जो है मीन्स आपका जो कंसेप्ट है वो आप अपना कन्वे करने में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, कि आपका जो मेन पॉइंट है, जो बेसिक कंसेप्ट है जेंडर का, वो बहुत क्लियर है और आप सिर्फ एक इसे जस्ट एक मिनिमम से एरिया के ऊपर, मिनिमम एरिया सर्कल पे रिलेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इसे एक कम्प्लीटली वेब के तौर पर डिस्क्राइब कर रहे हैं हर जगह पे कि ये कहाँ कहाँ रिलेट कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करेंगे।